आपकी होस्ट और दोस्त प्रियंका लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों का ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम आप सभी लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री के उन खबरों से रूबरू करवाते हैं जो खबर जो जानकारी आपके सुपरस्टार से जुड़ी हुई होती है, लेकिन दरअसल में वो खबर कितनी सच है कितनी झूठ, किस खबर को किस अंदाज के साथ किया गया है पेश, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए बताते हैं। लेकिन देखा जाए तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास जो जिक्र हुआ है हमारे इस प्रोग्राम में जिसके बारे में हम बात करने आए हैं वो है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की मिर्ग नैनी कह लीजिए अक्षरा सिंह, जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड खूबसूरत और भोजपुरी इंडस्ट्री की एक सफल हीरोइन मानी जाती हैं। आज उनका जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि आज एक बार फिर से उनकी सिंगिंग को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है खबर, जहाँ कहा जा रहा है कि अधिकतर अपने घर पर प्रैक्टिस करती हैं अक्षरा सिंह अपने गाने को लेकर, लेकिन साथ ही वो इस स्टार का गाना सबसे ज्यादा गाती हैं। आखिरकार कौन है वो स्टार, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? कौन से स्टार का गाना अक्षरा सिंह को बेहद ज्यादा पसंद है, कौन से स्टार का गाना अक्षरा सिंह हमेशा गुनगुनाती हैं? चलिए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं उस स्टार के बारे में और साथ ही दिखाते हैं आप सभी लोगों को कि आखिरकार इस खबर में कितनी सच्चाई थी। देखिए हमारी रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा की खूबसूरत और मिर्ग नैनी के नाम से फेमस हीरोइन अक्षरा सिंह को लेकर हर रोज कोई ना कोई ऐसी अपडेट आती ही रहती है जो उनके चाहने वालों को बेसब्री से इंतजार करवाती है। जी हाँ, ऐसे में आज एक बार फिर से भोजपुरी की इस हीरोइन का एक खास कह सकते हैं अपडेट आया है, और वो अपडेट दरअसल में वायरल सच में हम लिया है, क्योंकि कई तरह की खबरें अक्षरा सिंह के साथ जुड़ी आती हैं, कभी फिल्म कभी गाने तो फिर कभी उनके स्टेज शो का जिक्र होता है। इसी बीच आज भोजपुरी इंडस्ट्री की एक और इस हीरोइन को लेकर खबर आई है जो वाकई में काबिले तारीफ है। जी हाँ, आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर लगातार इस स्टार के साथ जुड़ी जानकारी आती है, और उसी बीच आज खबर आई है कि अक्षरा सिंह अपने घर पर लगातार अपने गाने की प्रैक्टिस करती रहती हैं। जी हाँ, क्योंकि अब वो एक सिंगर बन गई हैं तो डेफिनेटली ये बात तो तय है कि वो एक सिंगर के तौर पर वो अपने घर पर भी रियाज करती ही होंगी, लेकिन साथ में अपडेट ये भी है कि वो इस स्टार के गाने सबसे ज़्यादा पसंद करती है, सबसे ज़्यादा उस गाने पर रियाज करती हैं जिसमें स्टार का नाम पे जिक्र हुआ है थे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर। लेकिन आपको हम बताना चाहेंगे कि ना ही खेसारी लाल यादव और ना ही पवन सिंह, जी हाँ अक्षरा सिंह जिस गाने पर रियाज करती हैं वो उनका खुद का गाना हो। जी हाँ, वो अपने खुद के ही गाए हुए गाने को दोबारा सुनती हैं, उस गाने को अलग अंदाज में अलग तरीके से गाने की कोशिश करती हैं। देखिए भैया, ये तो भाई सोशल मीडिया के द्वारा दी गई जानकारियाँ होती हैं जो अलग अलग तरह से पेश की जाती है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल तय है कि अक्षरा सिंह कभी भी किसी भी स्टार के गाने को कॉपी नहीं करती है, और वो हर काम को जी हाँ उनकी फिल्म हो या फिल्म में उनकी एक्टिंग हो, हमेशा वो अपने आप को कुछ अलग पेश करने की अपने आप को अलग साबित करने की कोशिश करती है, और शायद यही अक्षरा सिंह की खासियत है जो आज उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री के इस मुकाम तक पहुँचा चुकी है कि आज के समय में हर कोई उन्हें पसंद करता है, हर कोई उनके गाने को उनकी फिल्मों को देखता है और उनका फैन है, और शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अक्षरा सिंह की हर एक तस्वीर जी हाँ हर एक वीडियो पर हजारों हजारों लाइक आते हैं, क्योंकि वो लोग अक्षरा सिंह को और उनकी कलाकारी को उनकी एक्टिंग को उनके गाने को उनकी आवाज़ को बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज के वायरल सच का जो जानकारी था वो पूरी तरीके से गलत साबित होती है। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों कि किस तरह से YouTube पर अक्षरा सिंह को लेकर सिर्फ एक बहाना चाहिए उनकी खबरों के साथ जुड़ी जानकारियों को वायरल करने के लिए, कभी उनकी फिल्म से जुड़ी जानकारी होती है तो कभी उनके स्टेज शो की, कभी उनके गाने की तो कभी उनके फैंस की, लेकिन आज जो खबर हमने आपको बताई है उसमें कितनी सच्चाई थी और किस ढंग से उसे पेश किया गया था ये हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बता दिया है, और उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि हर बार की तरह इस बार भी हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, हमने आप सभी लोगों को खबर के साथ जुड़ी पूरी सच्चाई से रूबरू करवाया होगा।
फिलहाल दोस्तों आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाजत, लेकिन हाँ आप ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहने के लिए, भोजप्रिय समाज के साथ जुड़े रहने के लिए, बिहार पूर्वांचल के इतिहास के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल लाइक्स नाइन न्यूज भोजप्रिय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।